हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लिविंग विद पू। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था, मैं एक गार्डन सीरीज़ कर रही हूँ नाना नानी के घर पे। अगर आपने प्रीवियस दो वीडियो नहीं देखे हैं, गो एंड चेक डेट आउट। सो घर अंदर के जो गेट घुसते ही लेफ्ट साइड में ऐसे नीचे में उन्होंने बहुत सारे प्लांटर्स ऐसे सजा के रखे हुए हैं। सो वन बाई वन मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि क्या क्या कौन कौन से प्लांटर्स इन्होंने रखे हुए हैं। सो यहाँ पे आपको पोर्टुलिका बहुत सारे दिखेंगे, यहाँ पे केलन कोई है एंड यहाँ पे एक रबर प्लांट था आई गेस, जो कि आई गेस भेड़ बकरी ने खा दिया है, क्योंकि गेट के पास ही है, कभी गेट खुला रह जाता है तो खा देते हैं। ये बोगनविलिया का है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे पोर्टुलिका दिखेंगे एंड यू कैन सी कि यहाँ के जो मिट्टी है थोड़ी सी गीली होके रखी हुई है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बारिश आ रही है। अभी भी स्टिल इट्स रेनिंग, पर मैं आई थी वीडियो बनाने के लिए, सो इसीलिए मैं थोड़ा बारिश दे रहे फिर भी मैं वीडियो ही बना रही हूँ, क्योंकि आई लव गार्डनिंग एंड आई लव कि अगर किसी के घर में ऐसे सुंदर से ऐसा गार्डन देखती हूँ तो मैं खुद को नहीं रोक पाती हूँ और आई फील लाइक शुड आई कैप्चर इट, क्योंकि अल्टीमेटली इन मेमोरीज़ वो रह जाएगा। इन फ्यूचर में अगर मुझे देखना होगा तो मैं देखूंगी। और यह है एगेव का प्लांट और इसके जो है टिप में एक पॉइंटेड वाला चीज़ होता है विच लिटरली प्रिक्ड मी और ये अभी भी मुझे दर्द दे रहा है। सो अगर आपके घर में एगेव का प्लांट होगा तो उसको टिप को आप काट दीजिएगा, अदरवाइज इट विल वो चुभेगा। बच्चे बच्चे होंगे तो और ही ज़्यादा दिक्कत है। सो या जैसे कि आपको बोल रही थी, यहाँ पर बारिश दे रही है, आप बारिश की बूंदें देख सकते हैं। प्रोटोन्स के है, कॉलियस के है, यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने हैंगिंग प्लांटर्स भी लगा के रखे हैं। आई गेस दादी सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्लान करती है और मैंने दादी से पूछा भी था कि क्या क्या खाद वगैरह डालते हैं, तो उन्होंने बोला है सिर्फ वो गोबर का खाद ही ऐसे डालते हैं, ऐसा अलग वैसा खाद कुछ नहीं डालते हैं। सो या एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे हैंगिंग प्लांट्स है, टर्टल वाइन्स के, वांडरिंग जू और पोर्टुलिका लगाया हुआ है। एंड थोड़ा सा बारिश तेज़ हो रहा है तो शायद मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। एंड ऑल्सो ये वाला पोर्शन का गार्डनिंग जो मुझे आपके साथ दिखाना था वो हो चुका है। ये बोलते बोलते वो जो राइट साइड में जो हैंगिंग प्लांटर्स थे वो मुझे दिखे, क्योंकि वो छूट गया था, वो भी मैं आपके साथ दिखाई देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, वांडरिंग जू और कुछ टर्टल वाइन्स और पर्पल हार्ट के प्लांट्स थे जो कि सुंदर से खिल रहे थे। यहाँ पे मदर ऑफ थाउजेंड का भी एक प्लांट है। सो ये पोर्शन में बस इतना ही आपके साथ शेयर करना था। सो स्टे ट्यून फॉर आगे का जो पार्ट में मैं कौन कौन से वीडियो लाऊंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।